अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग इंटीरियर स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डॉलर का रेट आपको पता है कि भाई 15 से 20 रुपए तक इसके रेट में गिरावट आ चुकी है और हम आपको बताते आ रहे हैं पिछली वीडियोस में कि भाई जो सरिया का रेट होता है ये डॉलर के साथ लिंक्ड होता है। अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो सरिया के रेट में भी इजाफा होता है और अगर डॉलर का रेट कम होता है तो सरिया के रेट में कमी होने के चांसेस होते हैं। तो आप दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं और फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आया, कुछ दोस्तों को मैंने जवाब भी दिया है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे सका, तो उनके लिए सबसे पहले तो माजरत। लेकिन मैंने सोचा कि आप दोस्तों को जो आप मुझे इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि भाई जो डॉलर का रेट अब कम हुआ है, कल तकरीबन 11-12 रुपये कल कम हुआ था, 5-6 रुपये आज कम हुआ है, यानी 15 से 20 रुपये के राउंड अबाउट इसका रेट कम हो चुका है, तो क्या सरिया के रेट में कमी हुई है या फिर नहीं? अगर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इसके रेट में कितनी कमी हो सकती है? दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देता हूं। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो, हमारे पेज को लाजमी फॉलो कर लें। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम जाए कि मैं आपके इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देता हूं। तो दोस्तों, हम आपको बताते आ रहे हैं कि भाई जो सरिया का रेट होता है ये डॉलर के साथ लिंक्ड होता है। डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर आप पिछला 1 से 2 महीने देखें तो तकरीबन 190 रुपए से ये 240-245 रुपए यानी 250 रुपए तक ट्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से चीजों के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। और दोस्तों, आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है डॉलर का रेट मजीद बढ़े, लेकिन दोस्तों कुछ वजूहात है जिनकी वजह से डॉलर का रेट कम हुआ है और ये काफी अच्छा साइन है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके लिए भी। और ये जो चीजों के रेट्स बिला वजह बढ़ रहे थे उनको भी अब थोड़ा सा जो है वो ब्रेक लगेगी। लेकिन दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि भाई सरिया का जो रेट है क्या ये डाउन होगा अब या ये डाउन हो चुका है? तो भाई जब डॉलर का रेट कम होता है तो सरिया सस्ता जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई सरिया का रेट डाउन होता ही होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई डॉलर का रेट बढ़ रहा है लेकिन सरिया का रेट स्टेबल है, सरिया का रेट नहीं बढ़े थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर डॉलर का रेट ना बढ़ता या डॉलर 200-210 के राउंड अबाउट रहता तो सरिया का रेट भी 200-210 के राउंड अबाउट आ सकता था। लेकिन दोस्तों, अभी रिवर्स गियर लगा है डॉलर के रेट को, तो सरिया के रेट को भी इंशाल्लाह रिवर्स गियर लगेगा और सरिया के रेट में भी कमी देखने में आएगी। जो आने वाले दिन है इनमें आप देखेंगे कि अगर डॉलर का रेट इसी तरह नीचे रहता है या मजीद नीचे चला जाता है तो सरिया का रेट भी इंशाल्लाह मजीद डाउन होगा। और सरिया के हवाले से हम कल आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे, वो अपडेट आपने लाजमी सुननी है क्योंकि उसमें जो है वो पता लगेगा कि सरिया के रेट में कमी हुई है या फिर अभी नहीं हुई। तो दोस्तों, अभी के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि अगर डॉलर का रेट इसी तरह मजीद नीचे आता है, 200 के अराउंड अबाउट आ जाता है, तो सरिया के रेट में 10 से 15 रुपये पर केजी तक कमी होने के चांसेस मौजूद हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी डिमांड भी काफ़ी कम है सीमेंट और सरिया की, जिसकी वजह से इसके रेट में कमी होने के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस मौजूद हैं। तो दोस्तों, यही अपडेट थी। बहुत सारे दोस्त मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई क्या इसका रेट डाउन होगा या फिर नहीं, तो भाई इसका रेट डाउन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बेशतिया के अब डॉलर का रेट फिर उसी जगह उसी लेवल पर ना चला जाए 2-3 दिन में और डॉलर के रेट में मजीद कमी देखने में आए, तो इंशाल्लाह सरिया का रेट डाउन होगा और सीमेंट और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनके रेट में भी कमी की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।